किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। खबर जालौन से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार खाद को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर किसान कांग्रेसियों ने किसानों के साथ मिलकर खाद की कालाबाजारी बंद करो के नारे लगाए और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। इसी के साथ अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों के हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं। आज किसान बहुत परेशान है, उसको खाद नहीं मिल रही है, उसको यूरिया नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं कि खाद की हर वक्त दाम बढ़ते जा रहे हैं और DAP की बोरी आपका वजन घटाती जा रही है। सरकार किसानों के लिए आज कुछ नहीं कर रही है। आज कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, जब ग्राम बाबई में एक किसान बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि वो खाद लेने के लिए गया था और लाइन में लगे लगे वो तड़पता रहा, उसको खाद नहीं मिली और वो बेचारा बेहोश हो गया। ये जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ लाइन लगाने में लगी हुई है। जनता को लाइन में खड़ा कर दिया उसने, चाहे कि वो नोटबंदी की लाइन हो, चाहे वो आज खाद और यूरिया की लाइन हो। आज आप देख सकते हैं कि हर जगह ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दलाली की सरकार है। प्राइवेट आपको यूरिया मिल सकती है, DAP मिल सकती है, लेकिन सोसाइटियों में प्रशासन के अधिकारी बोल रहे कि खाद तो पर्याप्त मात्रा में है और ज्यादा भी है। प्रशासन वही बोलता है जो शासन उसको आदेश देता है। शासन और प्रशासन एक चल रहे हैं, वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। और सोसाइटी आटा हो, चाहे बाबई हो, चाहे आपकी छोंक हो, चाहे माधोगढ़ में कई जगह हो, चाहे कोंच में कई जगह हो, हर जगह किसान परेशान चल रहा। नेशन मिरर के लिए जालौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।